में शेयर करने वाली मॉनसून मेकअप लुक, अगर आप घर पे हो या फिर आपको नॉर्मली किसी पूजा में जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो नॉर्मली मानसून में और बारिश हो रहे तो आपको तो मेकअप चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेकअप आप कैसे करोगे मानसून में, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आज, जो कि बहुत ही सिंपल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट से करने वाली हूँ। आपको बहुत सारा मेकअप लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मानसून में, बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश होती है और मेकअप भी बहुत ज़्यादा डे टाइम में अच्छा नहीं लगता अगर आप नॉर्मली कहीं जा रहे हो तो। अगर पार्टीज वगैरह है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नॉर्मली सिंपल कहीं जा रहे हो तो आपको बहुत लाइट मेकअप की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली एक सिंपल सा मेकअप लुक जिसे आप सारी सूट या फिर किसी भी ड्रेस में वेयर कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का प्राइमर लूँगी। मेकअप से पहले प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पोर्स को फिल इन कर देता है जिससे फाउंडेशन हमारे स्किन के अंदर जा नहीं पाता और मेरी स्किन भी ख़राब नहीं होती। तो अच्छे से मैं पूरे फेस पे प्राइमर लगा लूँगी, इनफैक्ट हाईलाइट एरिया में ज़्यादा लगाऊंगी जहाँ पर मेरे पोर्स हैं। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक इसे अच्छे से अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ये हमारे स्किन के अंदर अच्छे से बैठ जाता है तब तक मैं लिप्स पे वैसलीन लगा लूँगी। आप कोई भी लिप बाम अप्लाई कर सकते हो, इससे हमारी मैट लिपस्टिक जो है वो ड्राई नहीं होती और लिप्स भी अच्छी लगती है, प्लम्पी हो जाती है। देन मैं यहाँ पे जॉनसन्स का क्रीम लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है बिकॉज हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र बहुत थोड़ा सा लेना है, एक पी के साइज़ का। देन मैं इसमें ऐड करूँगी अपना फेवरेट फाउंडेशन जो कि है फिटमी से, इसका शेड है 128 न्यूड वॉर्म न्यूड। ये मॉइस्चराइजर के साथ जब आप फाउंडेशन को मिक्स करके अप्लाई करते हो तो अगर आप एक दो शेड ऊपर नीचे हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारे स्किन टोन से एकदम मैच हो जाता है। दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, देन फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लिया है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप और एक लेयर अप्लाई कर सकते हो फाउंडेशन का, नेक एरिया बिल्कुल नहीं भूलना है। देन मैं इसे फिंगर की हेल्प से अच्छे से डैप डैप करूँगी और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, आपको ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरे फिंगर से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। फिटमी का जो फाउंडेशन है ये एक नेचुरल फिनिश देता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने मेकअप किया है, फाउंडेशन लगाया, एकदम फेस पे एकदम जाके चिपक जाता है जिससे एकदम भी पता नहीं चलता कि आपने बहुत सारा मेकअप किया है। ये देख रहे हो आप एकदम स्किन टोन के साथ मैच कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में कि जब आप मेकअप कर रहे हो तो आपका स्किन टोन से आपका फाउंडेशन मैच करना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता। तो फाउंडेशन मेरा अच्छे से ब्लेंड हो गया है, देन मैं यहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाऊंगी बिकॉज मेरे डार्क स्पॉट बहुत कम है एंड आई के नीचे मेरे स्पॉट भी कम है, डार्क सर्कल पे बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने बहुत हल्का सा लिया है जस्ट हाईलाइट करने के लिए। इसे भी मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो गया स्किन में और ये बहुत अच्छे से हमारे डार्क स्पॉट को कवर भी कर देता है। कंसीलर या फाउंडेशन को कभी भी ड्रैग नहीं करना है, इसे हमेशा डैप डैप करके ही अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है जिससे जहाँ का फाउंडेशन वहीं पे ब्लेंड हो जाए अच्छे से। यहाँ पे अच्छे से मेरा कंसीलर ब्लेंड हो गया है, देन मैं पाउडर को सेट करने के लिए यहाँ पे पाउडर का अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे फिटमी का पाउडर लिया है कॉम्पैक्ट, हमें बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट जहाँ पे आपकी पसीना आती है वहाँ पे अप्लाई करें। एंड फाउंडेशन को सेट करने के लिए हमेशा कॉम्पैक्ट पाउडर का अप्लाई करें बिकॉज इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है एंड ये फेस पर बहुत अच्छी फिनिश देता है। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट की जगह पर लूज़ पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो या फिर बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट मेरा फेस का मेकअप हो चुका है डन, अब मैं यहाँ पे अपना करूँगी आई मेकअप, जिसके लिए मैं बहुत पीची कलर का एक शेड लूँगी आई शेडो पैलेट से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए, एकदम पीछे से सेट लूँगी। देन उसे अपने आईज पे अप्लाई करके एकदम डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आई शेडो के लिए आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, आप फिंगर से भी कर सकते हो लेकिन ब्रश से कर, बहुत लाइट सा शेड लिया है और बहुत अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा ऑड ना लगे या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि मैंने मेकअप करा है। आई मेकअप अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पूरे फेस पे जो हाईलाइट होती है वो आईज़ है एंड अगर आईज़ मेकअप आपका अच्छा नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है। मैं दोनों आईज़ पे अच्छे से बहुत अच्छे से एकदम ब्लेंड कर ली हूँ आई शेडो को एंड ये बहुत पीची सा कलर है, बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत सारा अप्लाई किया है। देन मैं यहाँ पे लूँगी अपना फेवरेट आईलाइनर जो कि लैक्मी से है, लिक्विड आईलाइनर है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत टाइम तक स्टे करता है आपके आईज़ पे एंड बहुत स्मूथली आपके
अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड मैंने इसे ऑफ़ कैमरा किया है बिकॉज मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल थी ऑन कैमरा करने के लिए। देन मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई लैशेज जब आपकी कर्ल होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आपने कोई मेकअप नहीं किया है एंड जस्ट आपको नॉर्मली बाहर जाना है तो आप बस मस्कारा लगा लो, आई लाइनर भी ना लगाओ, तो आपकी आई एरिया बहुत अच्छी लगती है, लैसेस आपके बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि आप हर वक्त तो आई लैसेस फॉल्स आई लैसेस नहीं लगा सकते, इसलिए मस्कारा ज़रूर अप्लाई करें। देन मैं यहाँ पे लिप लाइनर को थोड़ा सा शार्प कर लूँगी। अच्छे से शार्प करने के बाद मैं इसे अप्लाई, लिप लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप लिप लाइनर अप्लाई करते हो तो आपका जो लिप का शेप होता है वो पता चलता है, एंड इसके बाद जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो वो बहुत ही अच्छा सा लुक देता है। और ये है जो लिप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एंड इसे अगर अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छा लिपस्टिक भी लगेगा। ये हर कलर के साथ, जिस भी सेट का लिपस्टिक अप्लाई करो ये हर सेट के साथ मैच करता है। देन यहाँ पे मेरे लिप लाइनर कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैं दो लिपस्टिक के शेड लूँगी, दोनों मैट हैं। दो लिपस्टिक लेने से क्या होता है, आपका एक अलग ही कलर का लिप का जो शेड है वो आता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। देन मैं अपर लिप्स में दूसरा अप्लाई करूँगी एंड नीचे में मैं दूसरा करूँगी। देन मैं दोनों को मिक्स कर लूँगी और इसका शेड बहुत ही प्यारा सा आता है। देन मैं नीचे में एकदम न्यूट कलर अप्लाई करूँगी। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आता है, बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है। देन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी हाईलाइटर। मैंने यहाँ पे स्विस ब्रिक हाईलाइटर लिया है, ये ब्रिक हाईलाइटर है, बहुत टाइम तक स्टे करता है आपके फेस पे। एंड हाईलाइटर मैं बहुत एकदम पतले से ब्रश से अप्लाई करूँगी, छोटी वाली। हाईलाइटर बहुत ध्यान से अप्लाई करना है बिकॉज हाईलाइटर जहाँ पे आप अप्लाई करते हो वो वहीं पे स्टे कर जाता है, वो इधर उधर ब्लेंड नहीं होता है, इसलिए बहुत हल्का सा लेके देन उसे अप्लाई करना है उसे अच्छे से। देन मैं हैंड की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। डे टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का सा मैं लाइन लूँगी, बहुत ही हल्का सा, एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आपको चिक बोन्स पर अप्लाई करना है, चिक बोन्स पर अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग होता है। देन इसे आप हाईलाइटिंग पॉइंट पे भी अप्लाई करो। मैं इसे नोज़ एरिया पे भी अच्छे से अप्लाई करूँगी बिकॉज ये बहुत अच्छा लगता है नोज़ पे जब आप अप्लाई करते हो। देन इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी हैंड्स की हेल्प से। फोरहेड के ऊपर भी मैं हल्का सा टच दे दूँगी जिससे ये बहुत अच्छा सा लगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, जस्ट हल्का सा टच करना है। सो हाईलाइटर मेरा पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो गया है। देन अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लो। सो यहाँ पे मेरे मेकअप डन हो गया है। अब मैं यहाँ पे हेयर को सेट कर लूँगी। हेयर को मैं ऑफ कैमरा सेट करूँगी बिकॉज वो बहुत ऑड लगता है ऑन कैमरा और मुझे थोड़ा अनकम्फर्ट। आप हेयर को ओपन भी छोड़ सकते हो बट मैंने यहाँ पर बन बनाया है बिकॉज सारे में बन ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मेरा मेकअप एंड हेयर स्टाइल डन हो गया है। अब मैं ईयर रिंग्स पहन लूँगी, देन मैं अपने कंगन्स पहन लूँगी एंड